फ्रांस के मर्साइल शहर में फ्लैग पर विवाद हो गया है। फ्रेंच पायलट ने हवा में बनाया झंडा, फ्रांस की जगह रूसी झंडा बनाने का दावा किया जा रहा है। रूसी एजेंसियों की साजिश का दावा किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें साजिश का, कॉन्स्पिरेसी का दावा किया जा रहा है। फ्रांस की जगह रूसी झंडा बनाने का यह दावा है। फ्लाईपास्ट के दौरान और फ्रेंच पायलट ने हवा में ये झंडा बनाया है। ये तस्वीरें विवाद का विषय बन गई हैं। फ्रांस के मर्साइल शहर से ये तस्वीरें आई जब फ्लैग पर विवाद हो गया है। दरअसल फ्रांस में ओलंपिक विशाल समारोह हो रहा था जिसमें फ्रांस के पायलट ने हवा में फ्लैग बनाया। झंडा फ्रांस का बनना था लेकिन दावा किया गया कि यह झंडा रूस का है। इस बात से फ्रांस समेत पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई और इसे रूसी एजेंसियों की साजिश करार दिया गया। बाद में जांच हुई तो पता लगा कि फ्रांसीसी पायलट की इस पे कोई गलती नहीं थी। रूसी और फ्रांस के झंडे में थोड़ी बहुत समानता है। जो वीडियो शूट किया गया उसका एंगल ऐसा था कि फ्रांस का झंडा रूसी झंडा लगने लगा। यह भ्रम इसलिए भी फैला क्योंकि जब फ्रांस में ओलंपिक के लिए फ्लाइंग पास्ट हो रहा था तभी रूस में भी विक्ट्री डे मनाया जा रहा था। रूसी विक्ट्री डे में भी फ्लाइंग पास्ट हुआ और विमानों के जरिए रूसी झंडा आसमान में फहराया गया। हमारे संवाददाता मनीष झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। झंडे पर जिस तरीके से भ्रम फैला, हालांकि बाद में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई है मनीष, लेकिन शुरुआत में इसको लेकर हड़कंप जरूर मचा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि फ्रांस के ओलंपिक में रूसी झंडे की कोई जगह नहीं होगी, लेकिन उसी ओलंपिक से जुड़े हुए एक समारोह में जब फ्लाई पास्ट हो रहा हो और फ्रेंच के पायलट जब उस समय फ्रांस के झंडा को लहराने की कोशिश कर रहे हो और उस समय लोगों को ऐसा दिख रहा है एक वीडियो के माध्यम से कि रूसी झंडा, तो लोगों को यह लग रहा है, पूरे यूरोप में इसको लेकर सनसनी हुई कि क्या रूसी एजेंसियां अब फ्रेंच फाइटर जेट तक में भी कुछ मैनिपुलेट कर सकती है, कुछ इंटरफेयर कर सकती है, जहां पर कि फ्रांस का झंडा दिखाया जाना था, फहराया जाना था, वहां रूसी झंडा फहर रहा है। और इस बात को लेकर बहुत पैनिक हो गया, इसको सिक्योरिटी ब्रीच का नाम दिया गया। इसको ये कहा गया कि फ्रांस की जो एयरफोर्स है वो भी रूसी इंटरफेयर से सुरक्षित नहीं है, तो बहुत बवाल मचा इसे लेकर। आखिरकार जांच बैठी और तब ये कहा गया कि नहीं, ये वीडियो एंगल शूट किया गया। हमारे दर्शक भी अभी देख रहे होंगे और एक बार उन्हें भी भ्रम हो जाएगा कि ये फ्रांस का फ्लैग है या फिर रूसी फ्लैग है। निश्चित तौर पर इस तरह के विवाद ने दरअसल रूस का जो घुसपैठ है फ्रांस में या यूरोप के अलग अलग शहरों में उसको और अधिक हवा देने की कोशिश है। हाँ, ये बात सच है कि जब तक जुलाई में फ्रांस में ओलंपिक हो नहीं जाता, इस तरह की कई घटनाएं आने वाले दिनों में और आपको सामने आएगी, लेकिन जो रूसी मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी लगातार इसमें सामने आ रहा है, उसका एक बड़ा प्रमाण ये है। बिल्कुल मनीष, एक तरह से भ्रम की स्थिति बन गई है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे यूरोप में दरअसल हड़कंप मच गया है। बात रूस के विक्ट्री डे परेड की करें तो विक्ट्री डे परेड पर हमला करने वाला था यूक्रेन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन से हमले की साजिश थी, यूक्रेनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच सकी और ये हमला रूस के विक्ट्री डे परेड पर ही होना था। रूसी खुफिया एजेंसी को भनक लग चुकी थी, एंटी ड्रोन गन के साथ परेड में सैनिकों की भी तैनाती थी। इतना आसान नहीं था लेकिन साजिश का खुलासा हुआ है। तो ये जो बड़ी खबर हमने आपको बताई है उसकी एक एक डिटेल भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पुतिन की परेड एक तरफ चल रही थी और उसमें यूक्रेनी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बड़ी डिटेल्स इसकी आपके सामने, यूक्रेन ने अटैक ड्रोन का बेड़ा तैयार किया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। रेड स्क्वायर पर हमले की तैयारी थी जी हाँ, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि क्रेमलिन को भी निशाना बनाया जाना था। क्रेमलिन जो कि रूस की आत्मा बताई जाती है, रूसी एजेंसियों को मिल चुका था खुफिया इनपुट, लगातार इनपुट्स मिल रहे थे और परेड की सुरक्षा फिर उसके बाद कड़ी कर दी गई थी। तो बड़ी यूक्रेनी साजिश को नाकाम किया गया, एंटी ड्रोन गन के साथ सैनिकों की तैनाती की गई थी, इसको लेकर भी अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन मनीष यहाँ पर बड़ा सवाल यह है, एक तरफ दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की की हत्या की साजिश रची गई जिसे नाकाम कर लिया गया, दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से विक्ट्री डे परेड में खलल डालने के लेकर भी बड़ी खबर आई। बिल्कुल, देखिए कल जब रूस अपना विक्ट्री डे परेड मना रहा था, मॉस्को के वो तमाम विजुअल्स पूरी दुनिया को चौंकाने वाले थे, जब पुतिन लगातार ये धमकी भी दे रहे थे यूरोप को
पश्चिमी देशों को कि उनके जो स्ट्रेटेजिक वेपन है वो सब कुछ तैनात था, लेकिन हकीकत ये थी कि इन सब के बीच रूस के मन में एक बड़ी आशंका थी, और वो आशंका थी कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से अटैक हो सकता था उसी विक्ट्री डे परेड को, जिसको वो पूरी दुनिया को दिखा रहे थे, उसी विक्ट्री डे परेड की जगह पर जहां पर पुतिन बैठे थे, रूस का सब रूस की जो पूरी सत्ता वहां जहां बैठी थी, वहां पर उन्हें आशंका थी कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हो सकता है। और इसीलिए जिस जगह पर रूस ने अपने परमाणु मिसाइल दिखाने की कोशिश की थी, वहीं पर साथ ही साथ एंटी ड्रोन गन लेकर उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स लगातार उन गाड़ियों के साथ, मंशा भी यूक्रेन की यही थी कि खलल डालने की कोशिश हो, और वो भी उस महत्वपूर्ण दिन पे जो कि रूस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन का दिन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, दोनों ही खबरों पर डिटेल में जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आज की और बता दें, आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर फैसला संभव है, सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बड़ा है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था इससे पहले जब सुनवाई पूरी हुई, अब आज फैसले का दिन है। ईडी ने जमानत का विरोध किया है, अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये ईडी ने विरोध किया है। यह आपको बता दें कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था, 50 दिन हो गए हैं। निचली अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वाजिब बताया तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट पर गिरफ्तारी को चुनौती दी। कोर्ट ने भी ईडी से कई सवाल किए और आज फैसले का दिन है, तो सवाल यही है कि केजरीवाल का आखिरकार होगा क्या। और आइए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं, केजरीवाल के अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने अपने हलफनामे में जो एफिडेविट सामने आया है उसमें 5 अहम तर्क क्या रखे हैं, आइए वो आपको बताते हैं। पहला तर्क, चुनाव के दौरान प्रचार मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। दूसरा तर्क, चुनाव न लड़ रहे किसी नेता को आज तक अंतरिम जमानत नहीं है, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तर्क रखा है ईडी ने। इसके अलावा तीसरा तर्क, अंतरिम बेल के बावजूद भी किसी नेता की गिरफ्तारी संभव है। साथ ही हलफनामे में ये भी कहा गया कि पूरे साल चुनाव होते हैं, ऐसे में किसी की न्यायिक हिरासत कभी संभव नहीं होती। जी हाँ, इसके अलावा पांचवा तर्क, चुनाव प्रचार के लिए बेल या रियायत समानता और कानून के लिए अभिशाप होगा, यानी ये गलत नजीर पेश होगी या गलत मैसेज जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। तो ये बड़ी बात, ये बड़ा तर्क रखा गया है। और एक और बड़ी खबर, ईडी के हलफनामे का सुप्रीम कोर्ट में विरोध हुआ है, केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसने ईडी के हलफनामे पर सवाल उठाए हैं, हलफनामे के खिलाफ एससी में शिकायत की, कानूनी पहलुओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना हलफनामे देने का आरोप लगाया गया है। कल TV9 के सत्ता सम्मेलन में केजरीवाल को संभावित अंतरिम बेल पर संजय सिंह और भगवंत मान ने भी रिएक्शन दिया, आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, आदिवासी समाज के एक नेता को आपने, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येन जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा आपने, अब हम लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं निशान जी, ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं हम लोग, जितना भी जुल्म करेंगे और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे इनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें कम होंगी अरविंद केजरीवाल के आने से, 20 सीटें कम से कम। ईडी अर्निंग डिपार्टमेंट है बीजेपी का, आप देख लो, आप देख लो, लिस्ट देख लो, पहले ईडी जाती है उस व्यापारी के यहाँ, 15 दिन के बाद वो 100 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदता है, पहले सीबीआई जाती है, 20 दिन बाद वो 200 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है। तो डरा के तो ये काम कर रहे हैं। संजय सिंह जी को अंदर कर दिया इसी केस में, 6 महीने बाद ईडी ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, आप जमानत दे दीजिए। ये सिर्फ हमें रोकना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनको अंदर कर दो, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की हमने आपको प्रतिक्रिया सुनवाई, भगवंत मान और संजय सिंह की। हमारे साथ पीयूष इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पीयूष है। पीयूष, सबसे पहली बात तो ये कि कितने बजे तक फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का और क्या राहत मिलेगी, क्योंकि आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी ईडी की आने वाली है। संपर्क एक बार दोबारा करेंगे, पीयूष के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ईडी ने जो अपना हलफनामा दायर किया अरविंद केजरीवाल के केस में, जमानत का विरोध किया गया है और अंतरिम जमानत का जो आधार है वो चुनावी प्रचार नहीं हो सकता, ये ईडी ने तर्क में बात रखी है।
तो कोशिश करेंगे दोबारा पीयूष से बात करने के लिए, लेकिन अब इस बीच आप ये जान लीजिए कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार हुआ क्या क्या है। तो जानकारी ये कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। 7 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साफ कर दिया कि ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री है, चुनाव न होते तो अंतरिम बेल का सवाल नहीं था, बेल दी तो केजरीवाल आधिकारिक काम नहीं करेंगे। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें 7 मई को हुई सुनवाई में कही गई। जी हाँ, और 3 मई 2024 बेंच ने कही मुख्य केस में वक्त लगने की बात। एससी की बेंच ने कहा कि अभी चुनाव में अंतरिम बेल पर विचार किया जा सकता है, और ये भी कहा गया ईडी से, एससी ने पूछा, ये सवाल पूछा कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया, ये गिरफ्तारी पर क्योंकि सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी नोटिस नजरअंदाज क्यों किए, बेल के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए, यानी हर तारीख पर आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 15 अप्रैल 2024 की बात बता दें आपको, ईडी की ओर से कहा गया समन पर सहयोग नहीं किया, दुर्भावना से गिरफ्तारी नहीं की। आपको याद होगा 9 समन्स भेजे जा चुके थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे नहीं थे, और ये भी एक बड़ी वजह बताई गई थी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी आज दायर कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट केजरीवाल के खिलाफ। सप्लीमेंट्री चार्जशीट संभव है, के कविता के खिलाफ भी दायर कर सकती है ईडी चार्जशीट। ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, उसका एक एक डेवलपमेंट आपके सामने हम रख रहे हैं। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि ईडी की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती है। केजरीवाल के खिलाफ तो ये संभव है ही, के कविता के खिलाफ भी दायर कर सकती है ईडी चार्जशीट। और इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल ने 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया है। चौथे चरण के लिए चुनावी प्रचार जोरों पर है। सियासी अखाड़े में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी गर्म है, लेकिन वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी अभी से ही इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल ने देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर भर्ती भरोसा स्कीम लाई जाएगी। स्कीम के तहत लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। उधर तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। शाह ने आरक्षण से लेकर हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 चरण के चुनाव में 200 सीट के करीब पहुंच चुकी है। मिशन दक्षिण फतेह करने निकले अमित शाह ने कांग्रेस पर करार प्रहार किया। शाह ने कहा कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल है। 24 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। शाह ने कहा ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। आरक्षण को लेकर शाह ने कांग्रेस के बयान को खारिज किया। एक कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। वो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने आरक्षण समाप्त नहीं किया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में बड़ा चुनावी वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। राहुल गांधी गुरुवार को तेलंगाना में मेंढक के नरसापुर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। देश में बेरोजगारी खत्म करने का दावा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस उनका अधिकार देने जा रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो एक नई योजना लाएगी, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की होगी।
यही नहीं, राहुल ने रैली में वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को एक साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की, मतलब एक साल के लिए इन कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। अमेठी और रायबरेली में परचम लहराने के लिए प्रियंका ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी भावुक हो गई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते कि वो देशद्रोही थी। जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख बूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर। राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि अपनी मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स ना देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला। इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए, बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई। और संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका दोनों नेताओं ने अपनी रैलियों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आज भाजपा के नेता हर जगह जाके कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, फिर से सत्ता में आए तो संविधान को बदलेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, क्योंकि इसी संविधान ने आपको अधिकार दिया वोट का, आपको आरक्षण का अधिकार दिया, आपको भोजन का अधिकार दिया, आपको शिक्षा का अधिकार दिया। बीजेपी ने आरएसएस में साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान का संविधान जो है उसे बदल देंगे और उसे रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, ये हिंदुस्तान का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद सियासत गर्म हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हिंदुओं की संख्या घटी है, जबकि मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पिछले 65 वर्षों में भारत में हिंदुओं की आबादी में काफी कमी आई है, जबकि मुस्लिमों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये दावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC PM की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 65 साल के दौरान हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। इस रिपोर्ट में 1950 और 2015 के आंकड़ों की तुलना की गई है। इस रिपोर्ट में सभी बड़े धर्मों की आबादी के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, 2015 में 78.06% हो गई, यानी हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हो गई। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, 2015 में 14.09% हो गई, यानी मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ गई। इसी तरह 1950 में ईसाई आबादी 2.24% थी, 2015 में 2.36% हो गई, यानी 5.38% की बढ़ोतरी हुई, और सिख 1.24% थे, जो अब 1.85% हैं। इनकी आबादी भी 6.58% बढ़ी है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जनसंख्या रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। घटती हिंदू जनसंख्या को लेकर TV9 से खास बातचीत में राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं ये पूरा इंटरव्यू। हिंदुओं की जो आबादी है वो 7.8% कम हुई है, जबकि जो अल्पसंख्यक है उनकी आबादी जो लगभग 43% बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे क्या वजह क्या है?
नहीं, वजह तो हमें पता करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अहम रिपोर्ट है और हमें इसको पढ़ना चाहिए और जो प्रश्न निकलते हैं इस रिपोर्ट से उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसका उत्तर भी हम निकालने की कोशिश हम सबको, मैं कोई राजनीतिक इससे नहीं कह रहा हूँ, हमें सब इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक कम्युनिटी इतने ज़्यादा क्यों उसका ग्रोथ हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसमें इलीगल इमिग्रेशन का कोई रोल है, इसमें कोई कन्वर्जन का कोई रोल हो है, इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। दूसरा जो प्रश्न निकलता है कि अगर एक ही माइनॉरिटी कम्युनिटी इतना ज़्यादा उसका उनका ग्रोथ होता है तो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का गवर्नमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट में नौकरियाँ वगैरह वगैरह का, उनका कोई क्राउडिंग आउट तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हिंदू और मुस्लिम आबादी पर रिपोर्ट आने के बाद सियासत पे उबाल आ गया है। बीजेपी और विपक्षी नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। अब भारत में भारत के सनातन अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और जब तक सनातनियों की संख्या है तभी तक भारत में लोकतंत्र भी है। पाकिस्तान में लोकतंत्र समाप्त है, बांग्लादेश में भी समाप्त है। और लोकसभा चुनाव के बीच वादे और घोषणाएं करने में नेता एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता ने तो मंच से ये ऐलान कर दिया कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे सालाना 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। हर महिला को 1,00,000 रुपया उसके खाते में जमा होगा, 1,00,000 सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। ये है कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया। ये मध्य प्रदेश की रतलम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं और यूपीए सरकार में मंत्री भी थे। इनका बयान सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि सियासत के खेल में जीत के लिए नेता जनता के सामने कुछ भी वादे कर सकते हैं। कांतिलाल भूरिया जब 2 पत्नियों वाले लोगों के लिए घोषणा कर रहे थे तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। ये सब छैला में बठियान फिर भी नहीं बज रही यार, गलत बात। खबर महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी के नकली संतान वाले बयान को उद्धव ने अपमानजनक बताया है। महाराष्ट्र के शिरडी में उद्धव ठाकरे पीएम मोदी पर जमकर बरसे। उद्धव ने बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर पीएम मोदी द्वारा की गई टिप्पणी के बाद पलटवार किया। मोदी जी तुम्ही माझ्याशी लढा पण माझ्या आई वडिलांचा अपमान केला तर मी सहन करणार नाही। तुम्ही कोणी असाल तुम्हाला तुमची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही। काय म्हणाले मोदी कि बाळासाहेबांच्या नकली संतान को मैं पूछ रहा हूं, मैं नकली? अरे बेअकली बेअकली माणूस है। हा माझा अपमान नाही, माझ्या देवता समान माझ्या माचा अपमान आहे, माझ्या वडिलांचा माझ्या बाळासाहेबांचा अपमान आहे। उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक बात कही। संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर डाली। म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागताय। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में विधायकों के साथ अहम बैठक की। नड्डा ने यूपी में अगले चरणों के चुनाव जिताने के लिए सभी विधायकों से एकजुट हो जाने के लिए कहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को लखनऊ के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चुनावी बैठक की। इस बैठक में पांचवें चरण की सीटों के लिए जीत की रणनीति बनाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों और एमएलसी से कहा कि वो आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव जिताने के लिए जोर शोर से काम करें। जेपी नड्डा ने कहा कि कई जगह सांसदों और विधायकों के आपसी मतभेद की शिकायतें रहती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के सभी नेताओं का फोकस पार्टी की जीत के लिए लगाना चाहिए। नड्डा ने मीटिंग में विधायकों से कहा कि हर विधायक की विधानसभा में पिछली जीत का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। वहीं मीटिंग में मौजूद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से नदारद है। हम सबका एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। जो इंडिया अलायंस को लेके क्या कहा गया, क्योंकि वो अभी जीत के दावे कर रहे हैं, कल राहुल गांधी इंडिया अलायंस नदारद है यूपी से, उस अलायंस का कोई अता पता नहीं चलेगा, 4 जून को छू मंत्र हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव चुनाव प्रचार के लिए कन्नौज पहुंची। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में चुनाव प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद डिंपल यादव ने यूपी के कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कन्नौज की जनता सिर्फ अखिलेश यादव को वोट देगी। सभी लोग, सभी जन, मुझे पूरा विश्वास है इस बार लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ देंगे। और जहां वो अपना सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी को चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके रहते हुए किस तरह कन्नौज विकसित बना है। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। अखिलेश यादव पहली बार साल 2000 में कन्नौज से सांसद बने थे। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद वो 2004 और 2009 में भी कन्नौज से सांसद रहे। डिंपल यादव भी 2014 में यहां से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 में वो कन्नौज से चुनाव हार गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर विपक्षी दलों ने फ्लोर टेस्ट के लिए दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस के बाद अब जेजेपी ने भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से ही बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। विपक्षी दलों ने फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। सियासी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अगर फ्लोर पर आएंगे तो 33 में से 23 विधायकों को संभाल कर रख लें, ये बड़ी बात है। उनको जो चीजें लिखनी है लिखे, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सके तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं। जननायक जनता पार्टी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कुछ पीड़ित महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपों पर यू टर्न ले लिया है। उन महिलाओं का दावा है कि धोखे का शिकार वो हुई। अब इसको लेकर बंगाल में नया घमासान शुरू हो गया। संदेश खाली में यौन शोषण के आरोपों पर हफ्तों तक हंगामा होता रहा। संदेश खाली की गूंज से बंगाल में खलबली मच गई, लेकिन अब पीड़ित महिलाओं में से कुछ महिलाएं अपने बयान से पलट गई हैं। इन्हीं में से तो एक पीड़ित महिला ने तो कहा कि सादे कागज पर दस्तखत करवा कर उनके नाम से फर्जी केस किया गया। दरअसल टीएमसी ने 4 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो संदेश खाली में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष गंगाधर कोयल के स्टिंग का है। इसमें दावा किया गया कि बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शाहजा शेख सहित उनके नेताओं पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगवाए और शुभेंदु अधिकारी ने ही संदेश खाली की महिलाओं को उकसाने के लिए कहा था। ये वीडियो निकली, उसके बाद महिलाएं जो है वो बोल रही हम लोग से झूठ लिखवाया गया, इसलिए वो थाने जाने लगे संदेश खाली में और पुलिस को जाके बोल रहे हैं कि हमारी जो कंप्लेंट थी कि मेरे ऊपर बलात्कार हुई है, उसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सच नहीं है। और एयर इंडिया प्रबंधन और एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन के बीच जारी विवाद अब खत्म हो गया है। क्रू मेंबर्स तत्काल प्रभाव से अब काम पर वापस लौटेंगे।
एयर इंडिया मैनेजमेंट और क्रू मेंबर्स के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। करीब 4.5 घंटे तक एयरलाइंस मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच चली मीटिंग के बाद 2 दिनों से चल रहा विवाद पर विराम लग गया है। अब एयरलाइंस के सभी क्रू मेंबर्स तत्काल प्रभाव से अब काम पर लौटेंगे। समझौते के बाद एयरलाइंस मैनेजमेंट ने क्रू मेंबर्स के निलंबन का फैसला भी वापस ले लिया है। अभी कंसीलिएशन ऑफिसर कम सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, उन्होंने दोनों लोगों को एडवाइस किया और दोनों लोगों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया कि जो 25 टर्मिनेशन है उन टर्मिनेशंस को जो है इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म किया जाएगा और सभी लोगों को जो है चूँकि इन्होंने सिक रिपोर्ट किया है प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इमीडिएट वो जो है ड्यूटी को रिज्यूम करेंगे। 100 से ज्यादा कर्मचारियों के अचानक सिक लीव पर जाने के कारण 2 दिनों तक विमानों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा। 2 दिनों में 100 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। टीवी 9 पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी एक्सक्लूसिव, पीएम हर मुख्यमंत्री के बड़े भाई, पीएम से अच्छी चीज सीखने में कोई हर्ज नहीं, ये रेवंत रेड्डी की ओर से कहा गया। छोटे भाइयों को साथ लेकर चले पीएम, ये बात भी रेवंत रेड्डी की ओर से कही गई। बींगे कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आपने प्रधानमंत्री को बड़े भाई मान रहे, वो भी आपको छोटा भाई मानने के लिए उससे थोड़ा सीखने के लिए बोला था टीवी 9 इंटरव्यू में, उससे सीखने के लिए बोला था, जो बिना करप्शन जो भी अच्छा काम लोगों के लिए जो किया था उससे थोड़ा सीख लिया तो मैं छोटा भाई मानता हूँ बोल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो बड़े भाई को कुछ आपके तरफ से कुछ नहीं, बोल सकते? अच्छा रहा तो मैं सीख लेता हूँ, उसमें क्या गलती है? सब कुछ हमको पहले जानकारी नहीं रहता है, जिस दिन पहली बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने सब कुछ पता नहीं है ना, 12-13 साल मुख्यमंत्री रहकर 10 साल प्रधानमंत्री रहकर उन बहुत कुछ एक्सपीरियंस कमाए, उनके एक्सपीरियंस से मुझे अगर कुछ मिले मैं ले लेता हूँ, उसमें क्या गलत है? वो बड़ा भाई है, अभी भी मैं कह रहा हूँ टीवी 9 के साथ भी यही बात कह रहा हूँ, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि सब सारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बिग ब्रदर, तो बड़े भाई, तो वो बड़ा भाई सब छोटे भाइयों को साथ में लेकर चलना है। गुजरात छोटे भाई की एक तरीका, तेलंगाना छोटे भाई की दूसरे तरीका, उत्तर प्रदेश छोटे भाई तीसरे तरीका। इसीलिए मोदी जी से मेरा एक ही गुजारिश है, अगर हम लोग 1 रुपये टैक्स पे किए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमको मिल रहा है 43 पैसा, वेराज बिहार इज पेइंग 1 रुपी दे आर गेटिंग 7 रुपी 6 पैसा एंड उत्तर प्रदेश इज गेटिंग ऑलमोस्ट 6 रुपीस। आप गुजरात लेकर गए बुलेट ट्रेन, साबरमती रिवर फ्रंट, गिफ्ट सिटी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग प्रदेशों में आने के लिए कोशिश किए, तो आप लोग सीधा सीधा उन लोगों को जबरदस्ती से वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हमारे लिए भी मेट्रो रेल दे दो, मूसी रिवर फ्रंट के लिए फंड्स दे दो, ITIR कॉरिडोर दे दो, बैयारम स्टील फैक्ट्री दे दो, काचीपेटा रेलवे कोच फैक्ट्री दे दो, IIM IIT ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी दे दो, तो तब सचमुच हमारे बड़े भाई को हम मान लेते, हम स्वीकार करते बड़े भाई को, हम इज्जत भी देते, सम्मान भी करते। क्या मेरा इंटरेस्ट इज मेरा प्रदेश है, मेरा प्रदेश को डेवलप करने के लिए वेलफेयर देने के लिए, यार मोदी जी को बड़े भाई कहा तो क्या नुकसान है? तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को आप सुन रहे थे और सीएम रेवंत रेड्डी का पूरा इंटरव्यू आगे आपको दिखाएंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर, लेकिन आपको सुनाते हैं टीवी 9 के खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल के जवाब में रेवंत रेड्डी पर क्या कुछ कहा था, ये सुनिए। जो तेलंगाना का सीएम जो रेवंत रेड्डी आपको बड़े भाई मानते हैं, हैदराबाद मीटिंग में आपको बड़े भाई से पुकारा, अभी जो तेलंगाना का जो आपका छोटा भाई उसका गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या राय? देखिए पहली बात है, अगर करप्शन में मेडल मिलते तो कांग्रेस को गोल्ड मेडल मिलता तो BRS को सिल्वर मेडल देता, लेकिन दोनों को वो रनर अप भी है एक दूसरे के। दूसरी बात है कि उन्होंने अगर मुझे बड़ा भाई कहा तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन अगर सचमुच में वो ये बड़ा छोटे का भाव है तो मेरे से कुछ सीखे, ईमानदारी से सरकार चलाई जा सकती है।
ईमानदारी से देश की सेवा की जा सकती है। मुझे आज 25 साल हो जाएंगे जी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते इस देश में सबसे लंबे समय तक काम करने का मुझे मौका है। सीएम पीएम अकेले सीएम के नाते नहीं, लेकिन सीएम पीएम टोटल मिला दें तो इस देश में सबसे लंबे समय तक मुझे सेवा करने का मौका मिला और एक भी दाग नहीं लगता है। दाग लगाने की कोशिश होना अलग चीज है, नहीं लगता है। तो सीखो ना भाई, अगर आप अपने आप को छोटा भाई, मैं आपको तब कहूँ ना कि आप सीखो, मुझे बड़ा भाई आप कहते रहे तो इतनी बात थोड़ी बनती है। तो मेरा पुण्य आप कमाने के लिए बड़ा भाई कहते ऐसा नहीं चलेगा। जनता तो पुण्य तब देगी जब आप भी कुछ पुण्य करो।